हैं 16 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस से। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस? यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वो है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। बात करें अक्टूबर माह में और भी बहुत सारे दिवस आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। बात करें पहले अक्टूबर को कौन सा दिवस आ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पहले अक्टूबर को आता है। और इस साल एक और दिन था 1 अक्टूबर को, वो था अंतर्राष्ट्रीय आवास दिवस, ये भी 1 अक्टूबर को मनाया गया था। यह आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। बात करें 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। बात करें 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। बात करें 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है संघाई मास्टर ओपन खिताब से संबंधित। संघाई मास्टर ओपन खिताब किसने जीता? ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, और इसे इसने चौथी बार जीतकर अपने नाम कर लिया है। बात करें नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं और ये अब तक 14 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे ऊपर रोजर फेडरर है, जिन्होंने 20 जीत चुके हैं, ठीक है। बात करें सर्बिया के रहने वाले हैं तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, वहाँ की मुद्रा है दिनार, ठीक है। वहाँ के पीएम है मिर्को और राष्ट्रपति का नाम है बोरिस टेडिक, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने इस साल विंबलडन और यूएस दोनों भी इन्होंने ही जीते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है जापान और अमेरिका के राष्ट्रीय खेल से, ये अलग से क्वेश्चन ऐड किया है मैंने। बात करें जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है सूमो रेसलिंग, और अमेरिका का क्या है? वो है बेसबॉल रेसलिंग, ठीक है। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और वहाँ की मुद्रा है येन, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और वहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, जिनको सभी ही जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है और ये कहाँ पर है? यह है रुंगराडो मई स्टेडियम, सबसे बड़ा है और ये उत्तरी कोरिया में स्थित है, ठीक है। अभी उत्तरी कोरिया की बात हुई है तो उत्तरी कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग कैपिटल है उत्तरी कोरिया की, और यहाँ के पीएम है किम यांग इल, प्राइम मिनिस्टर है उत्तरी कोरिया के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट से संबंधित। जो सीरीज है वो भारत ने जीत ली है और 2-0 से जीती है और काफ़ी बड़े अंतर से जीता है, ठीक है। इस जो दूसरा मैच हुआ था इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? इसमें दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं उमेश यादव, जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं, और ये थर्ड फास्ट बॉलर बन गए जिन्होंने अब तक 10 विकेट लिए हो किसी मैच में, ठीक है। जो इस सीरीज का जो पहला मैच था जो राजकोट में खेला गया था, इसमें एक और करंट अफेयर इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है प्रति शो ने उसमें डेब्यू किया था प्रति शो ने, और वो सबसे कम उम्र वाले युवा वो है जिन्होंने अब तक शतक लगाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऐसे कौन से बल्लेबाज है जो युवा है और टेस्ट डेब्यू में शतक लगाया है सबसे कम उम्र वाले, तो वह है पृथ्वी शो, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला। तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा संस्करण? 6वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल,
और वहाँ के गवर्नर कौन है, अनिल बेजल। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन अपना संबंधित है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान से संबंधित अपना क्वेश्चन है। यह जो एक्शन प्लान है कहाँ पर लागू किया गया, ये लागू किया है नई दिल्ली में। ठीक है, और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, GRAP, इसको इस नाम से भी देखा जा सकता है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये पोल्यूशन के लिए है जो कि दिल्ली में अक्सर हर साल दिवाली के टाइम पे हो जाता है। ये किस वजह से होता है, इसका भी एक रीज़न है, जो दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर इस साल जो फसल कटाने के बाद जो वेस्ट बचता है तो लोग उसको जलाते हैं और वो धुआँ उड़कर दिल्ली में आ जाता है, इस वजह से ये जो पोल्यूशन है और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्लान को लागू किसने किया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे लागू किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है चुनाव आयोग से, इससे संबंधित है चुनाव आयोग से। तो निर्वाचन कदाचार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है सी विजिल, उस ऐप का नाम है, जिसका अनावरण 3 जुलाई को हो गया था। ठीक है, यहाँ भी चुनाव आयोग की बात हुई है तो हमें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पता होना चाहिए, उनका नाम है ओम प्रकाश रावत। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बात करें इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वो 5 राज्यों का नाम बता देता हूँ, नाम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। राजस्थान की बात करें तो राजधानी है जयपुर, CM है वसुंधरा राजे सिंधिया और गवर्नर है कल्याण सिंह, और यहाँ का क्षेत्रफल है 342,239। बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और MP का क्षेत्रफल है 308,252। बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, CM है रमन सिंह और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और इसका क्षेत्रफल है 135,192। बात करें मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है इम्फाल, वहाँ के CM है पू ललन तलवा हलवा निर्भया शर्मा, वहाँ की गवर्नर है और इसका क्षेत्रफल है 21,081। बात करें तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहाँ के CM है चंद्रशेखर राव और गवर्नर है ESL नरसिंह और तेलंगाना का क्षेत्रफल है 114,840। मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ जो भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ा जो किसी भी चीज़ से लिंक्ड हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है अफगानी राजनयिकों का प्रशासन से संबंधित है। बात करें इंडिया और चीन ने अभी साथ में मिलकर अफगानी राजनयिकों को प्रशिक्षित करने का एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगानी। ठीक है, बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी, वहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री की बात करें तो वहाँ के PM है अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। साथ में चीन की बात हुई तो चीन और भारत दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। ओके, और प्राइम मिनिस्टर कौन है चीन के, तो वह है ली कचियांग, प्राइम मिनिस्टर है चीन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संबंधित है अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया। अशोक चक्र से सम्मानित उड़ीसा के एक पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सहायक कमांडेंट प्रमोद कुमार सतपति, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अभी उड़ीसा में आपको पता होना चाहिए कौन सा तूफान आया है, वह है उसका नाम है तितली तूफान, उड़ीसा में आया है। ठीक है, और उड़ीसा में इसी साल हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, बात करें इस साल जो 26 जनवरी 2018 को अशोक चक्र किनको मिला, ये भी हमें पता होना चाहिए, वो मिला है ज्योति प्रकाश निराला को अशोक चक्र दिया गया था। और कीर्ति चक्र भी पता होना चाहिए कि कीर्ति चक्र किनको मिला था, वो मिला था विजयंत बिष्ट को। ठीक है, बात करें ये चक्र कब दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, तो वार टाइम पे, युद्ध के टाइम पे जो पदक दिए जाते हैं वो है परमवीर चक्र और महावीर चक्र, और पीस टाइम पे कौन से दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं
अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र पीस टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है, अगला क्वेश्चन अपना संबंधित है भारत तथा श्रीलंका समझौते से संबंधित है। ठीक है, भारत तथा श्रीलंका ने 1200 घरों का निर्माण के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वह है कितने कितने रुपए का भारत श्रीलंका की मदद देगा? वह है 60 श्रीलंकाई करोड़ रुपए की श्रीलंका को मदद देगा। ठीक है, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, साथ में एक और राजधानी है वह है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, भी श्रीलंका की राजधानी है। और वहाँ की मुद्रा है श्रीलंका रुपया और राष्ट्रपति का नाम है मैत्रीपाला सिरीसेना, वहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है अंतर क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक से। यह जो बैठक है कहाँ पर आयोजित होगी? यह बैठक होगी सिंगापुर में आयोजित होगी। ठीक है, और इस बैठक में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आसियान कंट्रीज़। ठीक है, और आसियान कंट्रीज़ में कितने देश आते हैं? 10 देश इसके मेंबर हैं और 2 देश इसके ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, और आसियान की स्थापना कब पूरी थी यह भी हमें पता होनी चाहिए। करी थी 1967 में इसकी स्थापना करी थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। ठीक है, ओके, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जेक होई, इसके सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है सेंटो डोमिंग ओपन ट्रॉफी से। ठीक है, सेंटो डोमिंग ओपन ट्रॉफी किसने जीती है? हमें पता होना चाहिए, यह जीती है लेंडर पेस ने। ठीक है, और सेंटो डोमिंग क्या है? यह एक डेमोनिक रिपब्लिक की कैपिटल है, और डेमोनिक रिपब्लिक की मुद्रा क्या है? मुद्रा है पिशो, और वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? उनका राष्ट्रपति का नाम है डेनियला मेडिना, वहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है WPI मुद्रास्फीति से संबंधित। WPI मुद्रास्फीति बढ़कर अभी कितनी हो गई है? यह हो गई है 5.13% बढ़कर हो गई है। और WPI यहाँ पे एक टर्म आई है तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है होल सेल प्राइज इंडेक्स। ये किस कारण हुई है? अभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, इस वजह से ये इफेक्ट हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है CSIR के महानिर्देशक कौन है? CSIR के महानिर्देशक हैं शिखर मांडे। ठीक है, अब यहाँ पे CSIR एक टर्म आई है, इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोबारा बोल रहा हूँ, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। यह रिलेटेड है वैकल्पिक नोबेल प्राइज़। अब सबको पता है नोबेल प्राइज़ क्या है, लेकिन वैकल्पिक नोबेल प्राइज़ क्या है? यह नोबेल प्राइज़ साहित्य से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इस साल साहित्य में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 100 से अधिक लेखकों एवं पत्रकारों और कलाकारों ने मिलकर एक नई अकेडमी बनाई तथा नए प्राइज़ का ईजाद किया। ये वही नया प्राइज़ है जो इस साल किसे दिया गया है हमें पता होना चाहिए। दिया गया है मेरी सी कांडे को, ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रिलेटेड है AI चैटबॉट आस्क दिशा। AI चैटबॉट आस्क दिशा ये किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है IRCTC ने, इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर AI एक टर्म आई, AI टर्म का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यह किसी भी क्वेश्चन का पूछने पर खुद जवाब दे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। ठीक है, यह किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है IRCTC ने, और IRCTC की फुल फॉर्म में पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग टिकटिंग एंड कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है युवा ओलंपिक खेल। युवा ओलंपिक खेल में भारतीय पुरुष हॉकी ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और यह कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं युवा ओलंपिक खेल? ये ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहे हैं, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पे महिला हॉकी टीम ने भी रजत पदक ही जीता है, दोनों ने रजत पदक जीता है। तो ठीक है, ये हो गए आज के करंट अफेयर। आज मैंने कुछ अलग चीज़ ट्राई करी है, आपको अगर ये चीज़ सही लगी हो
तो इसके बारे में मुझे रिव्यू दीजिए, सजेशन दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।